खबरसान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पूर्व आरक्षक ने प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन को फोन पर पुलिस अधिकारियों की शिकायत की है और ये कहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है और उससे घर के काम करवाए जाते हैं। तो आखिर ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो अपनों को ही गुलाम बनाने में लगी हुई है। हम सुनाते हैं आपको इस वीडियो में आरक्षक और मंत्री बाला बच्चन के हुई बीच बातचीत। आरक्षक: हेलो सर, नमस्कार, माननीय गृह मंत्री महोदय से बात हो रही है? गृह मंत्री: जी हाँ, हो रही है। पूर्व आरक्षक: सर, अभी जो पुलिस की कार्यशैली और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं उनसे संबंधित बात करना थी आपसे। गृह मंत्री: आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? परिचय लेने के बाद हाँ बोलिए। पूर्व आरक्षक: वर्तमान में 400 से 500 IPS हैं, उनके सरकार से प्राथमिकता है कि बंगले पर 4 से 5 कर्मचारियों को लगा सकते हैं, लेकिन बंगले में 20-20 लोग लगे हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। फील्ड में कार्य करने वाले बंदों पर बंगलों पर कार्य कर रहे हैं, इस कारण लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा ही। आपके गृह मंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? गृह मंत्री: जरूर करूंगा, मैंने कल से बैठक शुरू की है। तुम्हारा जिला उज्जैन संभाग में आता है तो कल ही बैठक बुलाई है। पूर्व आरक्षक: अधिकारियों की पत्नी को सैल्यूट करना होता है, उनके ऑर्डर सुनने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, ये कोई रूल नहीं है। गृह मंत्री: हाँ मैं जानता हूँ। तो ये थी उस वीडियो क्लिप की कुछ लाइंस जो हमने आपको सुनाई, जो उस पूर्व आरक्षक और गृह मंत्री बाला बच्चन की हुई बातचीत के हैं। इस बात के बाद गृह मंत्री ने उचित कदम उठाने की आश्वासन दिया है और साथ ही पूर्व आरक्षक ने उचित कदम उठाने की मांग की है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.